श्री पोस्ट में आपके साथ में मैं हूं नामिका। दानापुर से सटे बेहटा से बड़ी घटना सामने आई है, जहां अपराधियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। पुलिस और अपराधियों के बीच गोलीबार हुई है, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में अपराधियों को गोली से घायल कर गिरफ्तार कर लिया है और निजी यानी कि प्राइवेट नर्सिंग होम में इलाज करवा रही है। गोलीबारी की घटना से पहले बिश्रा में मंगलवार को अपराधी तांडव मचाते रहे। पहले थाना से 100 गज की दूरी पर फायरिंग की घटना हुई, वहीं दूसरी घटना पास में ही भीड़भाड़ वाले इलाके में हुई। दवा दुकान में रंगदारी मांगने के अपराधियों को जब होमगार्ड के जवान ने रोक दिया तो उससे भी उलझ गए और पिस्टल से फायरिंग की। बाद में होमगार्ड के जवान की राइफल छीन ली और फिर उससे भी गोली बरसाने लगे वो लोग। इसमें एक व्यक्ति को गोली का छर्रा भी लगा, जो मामूली रूप से जख्मी हो गया। इसके बाद जब इस घटना को अंजाम देने वाले अपराधी का नाम विशाल के रूप में आया, तो पुलिस अपराधी का पीछा करते करते उसके घर तक जा पहुंची, जहां अपराधी और पुलिस के बीच में मुठभेड़ भी हुआ। बाद में पुलिस ने अपराधी को घायल करके उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस बिहटा के प्राइवेट नर्सिंग होम में उसका इलाज करवा रही है और इस घटना की जानकारी के सिटी एसपी पटना वेस्ट अशोक मिश्रा को जब हुई तो वो भी मौके वारदात पर जांच करने पहुंचे। उन्होंने बताया कि कुणाल नाम के अपराधी ने फायरिंग कर होमगार्ड जवान का राइफल छीना और उसे लेकर के भाग गया। तो उसे पुलिस जब पकड़ने गई तो उस पर भी गोली चलाने लगा। दोनों तरफ से मुठभेड़ हुई और अंत में अपराधी को घायल करके पकड़ लिया गया। फिलहाल इसका इलाज किया जा रहा है और मामले की जांच की जा रही है। बताया जाता है कि पकड़ा गया अपराधी पहले से भी जेल जा चुका है। गौरतलब है कि जिस दवा दुकान में गोलीबारी की घटना हुई, वहां पहले भी गोलीबारी हुई थी और रंगदारी की मांग की गई थी। देखिए, आज दोपहर में एक घटना हुई और उसमें जो है एक होमगार्ड के जवान का राइफल छीना गया और उस दौरान जो है वो मारपीट भी हुई होमगार्ड के जवान के साथ। इस क्रम में जो है पुलिस द्वारा जो है वो तत्काल जो है अग्रतर कार्रवाई की गई और अग्रतर कार्रवाई के क्रम में जो है वो रेड छापामारी के क्रम में अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान जो है एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, अभियुक्त ने जो है वो पुलिस पार्टी पर फायर किया और उसमें जो है जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त को जो है वो पुलिस की तरफ से जो है गोली लगी है और इस दौरान जो है उसको फिर भर्ती कराया गया है अस्पताल में और उसका भी इलाज चल रहा है। 24 घंटे में सर दूसरी घटना है, बेटा डुमिनिया पुल पर भी सुबह फायरिंग की गई। वो दूसरी घटना शामिल थे इसमें? कौन सी घटना? हथियार वाले में कौन सी गैंग है या नॉर्मल व्यक्ति है? ये जो अभी घटना हुई इसके विषय में पूछ रहे हैं। इसमें एक ही लड़का है और ये व्यक्ति जो है पूर्व में भी जैसा बताया जा रहा है कि जेल गया है, लेकिन उसकी हम अभी देख रहे हैं, जाँच कर रहे हैं। और इसका जो है वो व्यवहार जो है वो परिवार के साथ भी अच्छा नहीं था, जैसा कि अभी आ रहा है परिवार से बात करने के बाद। तो एक ही व्यक्ति था और उसने ये कार्य किया है और उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। पूर्व में भी दवा व्यवसायी पे गोली चलाई गई थी? वो घटना अलग थी, ये अलग। राइफल भी बरामद हो गई? राइफल बरामद हो गई। धन्यवाद। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नामिका।